अब तक आपने धार्मिक रीति रिवाजों से कई विवाह देखे होंगे, लेकिन आज हम ऐसे अनोखे विवाह के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। ये विवाह है राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगा समुदाय का, जिसकी शुरुआत ही रोमांस के साथ होती है और विवाह पर जाकर खत्म। इस प्रथा को यहाँ पर लोग दशहरा नाच कहते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बैगाचक इलाके में इस तरह के विवाह देखे जाते हैं। दशहरा के बाद इस विवाह की शुरुआत होती है, इसलिए इसे दशहरा नाच कहा जाता है। ये केवल 2 दिनों का होता है। इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे का परिचय लेने एक दूसरे के गांव जाते हैं। परिचय के लिए एक गांव के लड़के पक्ष की टोली दूसरे गांव रात में पहुंचती है। उस गांव में सारी तैयारियां कर ली जाती हैं। बैगा समुदाय की लड़कियां अपने पारंपरिक वेशभूषा में सजती और सवरती हैं। जिस गांव में दशहरा नाच होता है उस दिन उस गांव में चहल पहल बनी रहती है। इस पूरे आयोजन में क्या कुछ होता है, सुनिए जानकार नरेश विश्वास से। जो है एक विशेष नृत्य है, वो आदिवासी समाज का है लेकिन सारे आदिवासी का नहीं है, वो सिर्फ बैगा आदिवासी ही उसको मनाते हैं। और दशहरा में एक्चुअल ये है कि दिवाली के बाद से शुरू होता है और जैसे जैसे होली आएगा, होली फाग गीत गाना शुरू करेंगे तो दशहरा नाच समाप्त हो जाता है वहीं पे। और दशहरे का मतलब ये है कि एक गांव से दूसरे गांव के जो बैगा आदिवासी है वो मेल मिलाप करते हैं उससे, और मेल मिलाप का तरीका भी उनका अपना आदिवासी तरीका है, क्योंकि नवयुवक जो लड़का है या लड़कियां हैं तो लड़कियों का अलग टीम होता है, लड़कों का अलग टीम होता है। तो लड़कियां अगर जाती है अपनी टीम के साथ किसी दूसरे गांव में तो उस गांव के लड़के फिर उन लड़कियों के साथ नाचते हैं, यदि लड़का जाते हैं तो दूसरे गाँव की लड़कियाँ साथ में नाचती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस नाच में वो आपस में दोस्ती करते हैं और तय करते हैं कि मैं इसके साथ शादी कर सकती हूँ क्या। तो एक तरह से शादी के लिए लड़का लड़की को और लड़की लड़का को पसंद करते हैं नाचते हुए गाते हुए, है ना। ये है खास मतलब दशहरा नाच का, एक तो मेल मिलाप बढ़ाना, दूसरा दोस्ती करना और फिर शादी की तैयारी करना, अगर परिवार में सहमति हो गई तो। अगर सहमति नहीं हुआ और लड़का लड़की को खूब पसंद आ गया नाचते हुए दशहरा नाच में तो फिर आपस में भाग भी जाते हो, है ना। तो एक पूरा कहानी है, कल्चर है उसमें दशहरा नाच में बैगाओं का, और शादी तक चलता है ये दशहरा नाच, और उसमें शादी करना तय करते हैं लड़का लड़कियों का। वैसे और भी पद्धति है शादी का बैगाओं का, जिसमें आपस में परिवार के लोग तय करते हैं, लेकिन दशहरा नाच में ऐसा तरीका है दशहरा नाच जो लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। बैगा समुदाय में लड़का लड़की का विवाह परिवार की रजामंदी से तय कर लिया जाता है और वो दिन भी तय हो जाता है जब शादी होनी होती है। बता दें कि बैगा समुदाय में दशहरा नाच या कहें रोमांस के बाद विवाह दशहरा से लेकर होली के बीच ही होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।